आइए आइए मित्रों, आप ही का इंतजार कर रहा था। प्रिंस मित्रा के इस कौशल प्रशिक्षण अभियान में आपका स्वागत है। प्रिंस मित्रा आपके विकास और उन्नति के लिए समर्पित। रोज रोज की भाग दौड़ में हम प्लम्बर सीखना बंद कर देते हैं, इसीलिए हम प्रिंस मित्रा के अंतर्गत आज एक पहल कर रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ जॉइंटिंग टेक्निक्स बताएंगे जो आपको जिंदगी भर काम आए। तो देखते हैं प्रिंस पाइपिंग सिस्टम्स के एक्वाफिट पाइप्स और फिटिंग्स। ये है एग्री प्रेशर और नॉन प्रेशर पाइप्स जो कि खेतों में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंस एक्वाफिट पाइपिंग सिस्टम हर प्रेशर को सहता है और सालों साल चलता है। चलिए देखते हैं इसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। पाइप पर चारों तरफ से निशान लगाना बहुत जरूरी है ताकि पाइप को आरी से काटा जा सके। पाइप को असमान रूप से ना काटें। कटिंग हो गई, अब आई शैम्फरिंग की बात। काटने के बाद पाइप को बाहरी किनारों पर शैम्फर करें। स्पिगॉट वाले सिरे पर लगभग 2 मिलीमीटर चौड़ा 15 डिग्री शैम्फर उपलब्ध कराना बेहतर होता है। शैम्फरिंग किए बिना इसे ना लगाएं। समझ गए ना मित्रों? अब आगे देखते हैं। पाइप के भीतरी और बाहरी किनारों पर मौजूद बर और रिजेस को डिबरिंग नाइफ की मदद से हटा दें, या इन्हें सैंडपेपर या फाइल से घिस दें। डिबरिंग किए बिना पाइप को ना लगाएं। अब हम सीखेंगे सफाई कैसे करते हैं। पाइप पर सॉल्वेंट सीमेंट लगाई जाने वाली सतह को सूखे कपड़े से पोंछकर नमी, धूल, मिट्टी, ऑयल या अन्य हर तरह की सामग्री साफ कर लें। पाइप के सिरे को साफ किए बिना पाइप को ना जोड़ें। डीबरिंग के बाद आई अब ड्राई फिट टेस्ट की बात। पाइप वाले सिरे को अगले पाइप या फिटिंग के सॉकेट में डालकर जांच करें कि सॉकेट की गहराई का लगभग 1/3 से 2/3 हिस्सा इसके भीतर मौजूद हो। चलो अब देखते हैं सॉल्वेंट सीमेंट लगाने की सही टेक्निक। जोड़े जाने वाले पाइप की लंबाई पर निशान लगा दें। निशान लगी सतह पर ब्रश से सॉल्वेंट सीमेंट का एक अच्छा कोट फिटिंग और पाइप पर लगा दें। पाइप पर अतिरिक्त सॉल्वेंट सीमेंट ना लगाएं और इसे हाथ से ना लगाएं। पाइप को फिटिंग के भीतर इस तरह डालें कि यह हर तरफ से समान रूप से भीतर चला जाए। हथौड़े से ठोक कर पाइप को भीतर ना डालें। किनारों से बाहर आने वाले अतिरिक्त सॉल्वेंट को पोंछ लें। 1 से 2 मिनट तक जॉइंट को पकड़ कर रखें ताकि जोड़ अच्छी तरह लग जाए। अब बारी आई सबसे मुख्य भाग की, इंस्टॉलेशन करना और चालू करना। पाइपलाइन को सही सीध में इंस्टॉल करें और जरूरी क्लैंप्स लगा दें। जॉइंट को ढीला ना छोड़ें, ना ही अलाइनमेंट चूकें। कंसील काम करने से पहले प्रेशर की जांच करें। 24 घंटे की क्योरिंग अवधि के बाद ही प्रेशर की जांच करें। तो ये था एक्वाफिट के एग्री प्रेशर और नॉन प्रेशर पाइप्स की जॉइंटिंग करने का सबसे सही तरीका। और एक जरूरी बात, खरीदते समय हमारे प्रिंस के नए मुकुट वाले लोगों की जांच जरूर कीजिए।